हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। गाइस तो आज हम जो करने वाले हैं ना यार, मतलब आज आपने भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा भी होता है। तो गाइस आज हम है ना आपको घर में स्पीकर बनाना सिखाएंगे। स्पीकर बनाना मतलब जो मार्केट में जो स्पीकर मिलता है वो अलग है, वो कंपनी बनाती है, उसके उसका जैसा तोड़ तो हम नहीं बना सकते। बट एक क्लू दिया जाएगा, मतलब एक रेफरेंस दिया जाएगा कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। और गाइस हम जो स्पीकर बनाएंगे ना ये डीसी मोटर से। तो गाइस आपने भी मतलब सोचा नहीं होगा कि डीसी मोटर से स्पीकर कैसे बनाएंगे। तो गाइस सिंपली ये करेंगे कि जो स्पीकर का जो फॉर्मूला है ना, मतलब स्पीकर में एक कॉइल होता है और मैग्नेट होता है और पेपर्स होते हैं, तो उसी के वजह से मतलब वो जो इलेक्ट्रॉनिक वे है वो मतलब मैग्नेट उसको कन्वर्ट करके उसको आवाज़ मतलब पर्दे में भेजता है, और पर्दा बड़ा होता है तो ऐसा फैलता है आवाज़। तो गाइस सिंपल इसके अंदर भी मैग्नेट है और इसके अंदर भी कॉइल है, तो देखते हैं मतलब आवाज़ आती है कि नहीं इसके अंदर से। तो गाइस सिंपली हमारे पास है ये देखिए, ये हमारा एम्पलीफायर है, ये हमारा एम्पलीफायर है, और ये है हमारा सिस्टम कंप्यूटर। और तो हम क्या करेंगे, YouTube पे कोई गाना प्ले करेंगे और जो एम्पलीफायर से जो आउटपुट स्पीकर का जो आउटपुट आता है ना वो सीधा मोटर में लगा के देखेंगे कि आवाज़ आती है कि नहीं। तो गाइस ये देखिए YouTube हम चालू करते हैं, और गाइस एक बात का ध्यान रखें कि YouTube पे भी जो हम गाना प्ले करने वाले नॉन कॉपीराइट प्ले करेंगे, नहीं तो YouTube कब हमारे चैनल में कॉपीराइट का क्लेम कर सकता है। तो नॉन कॉपीराइट बॉलीवुड साउंड डालता हूँ, अभी आ गया है। गाइस ये कौन सा सॉन्ग है मुझे भी नहीं मालूम, पहले ऐड आया है। गाइस ये कौन सा सॉन्ग है मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन नॉन कॉपीराइट का यहाँ पे आया है। ए हिमेश भाई दिख रहे इधर। तो गाइस हमने एम्पलीफायर से जो ये जो ब्लू वाला जो वायर है ना ये एम्पलीफायर से हमने जोड़ दिया है, और गाइस हमने एम्पलीफायर का वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है, और ये मोटर है ये देखिए। गाइस आवाज आ रही है। ये गाइस आप सुन सकते हैं, मतलब ये माइक है, ये देखिए माइक में माइक लगाता हूँ इसके अंदर, ये देखिए आवाज क्लियर आ रहा है गाइस। गाइस तो है ना अमेजिंग चीज़ ये, मतलब जो बच्चों के जो टॉयज मोटर होते हैं ना उसमें भी आप ऐसा करके देखोगे तो वो जरूर बजेगा वो। और मैंने मतलब जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा देख के रखा है, तो मोटर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है ये देख सकते हैं। गाइस तो हम क्या करेंगे ना कि कुछ और अलग करेंगे। ये एक डब्बा है मेरे पास, तो क्या करेंगे ये इसके अंदर ऐसा हॉल करके फंसा देंगे, तो देखते हैं मतलब। गाइस ये देखिए हमने फंसा लिया है, अब गाने को पहले प्ले कर देंगे। गाइस अभी तो आवाज क्लियर आ रहा है यार एकदम। ट्रैक्टर इमल्शन पेंट में स्पीकर हमने बना दिया, ये देखिए आवाज क्लियर आ रहा है। और एक डीजे वाला गाना प्ले करके देखते हैं। अरे चल रहा है यार। गाइस ये डीजे वाला गाना है। वाव गाइस ये देखिए, ये हमने डब्बा निकाल लिया,
तो आवाज बिल्कुल कम हो गया। अभी ये डालता हूँ डब्बा। ये डब्बा है ना कभी कभी मतलब घूम भी रहा है, क्योंकि करंट इसके अंदर आ रहा है ना, तो मतलब ये घूमने की कोशिश भी कर रहा है डब्बा। ये देखिए मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। तो गाइस है ना कमाल की चीज़ ये, मतलब आप कोई भी मतलब जो टॉयज मोटर डीसी मोटर होता है कोई भी टॉयज में रहता है जो कि चल फिर सके टॉयज, ऐसे टॉयज में जो मोटर होते हैं जो बच्चे लोग के पास भी रहते हैं शायद, तो उस मोटर में आप ट्राई करोगे ना तो बिल्कुल आवाज़ आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल अलग था, और कैसे बजेगा वो तो मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन मुझे ऐसा डाउट था क्योंकि इसके अंदर भी कॉइल और मैग्नेट होता है, तो मुझे ऐसा डाउट आया कि ये तो बजेगा ही, इसके अंदर से आवाज आएगा ही। गाइस अगर आपके पास हेडफोन नहीं है ना तो आप ऐसे इंजॉय कर सकते हो, आपके पास स्पीकर नहीं है तो ऐसे इंजॉय कर सकते हो। अगर आप इसको पर्टिकुलर अच्छे से अगर लगाओगे ना तो आवाज़ भी बहुत ही क्लियर आएगा। और गाइस मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है क्योंकि मैं जो एम्पलीफायर का वॉल्यूम है ना बहुत ही हाई कर दिया हूँ, तो एम्पलीफायर मैं बंद करता हूँ। तो गाइस हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप भी घर में कुछ ऐसा ट्राई करके देखिए, बजेगा आराम से बजेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, जाने से पहले ना हमारे वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अरे इतने मेहनत से हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगता है, यकीन मानिए। आप ऐसे मतलब 5-6 मिनट 7 मिनट का वीडियो देख लेते हो तो आपको लगता है कि मतलब नहीं कुछ लगता नहीं होगा, कैमरा उठाए शूट कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्री प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ रेडी करना पड़ता है, उसके बाद ही हम वीडियो बनाते हैं, तो बहुत मेहनत लगता है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। ये देखिए ये यहाँ पे है सब्सक्राइब का बटन, दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। लाइक का इधर होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।